बेतिया में पंचायत चुनाव से पहले पुलिस विभाग में फेरबदल का सिलसिला जारी है। जिले में 27 थानाध्यक्षों का तबादला हुआ है। एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए 24 घंटे के अंदर थानाध्यक्षों को नए जगह पर ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए फोनलाइन पर हमारे साथ मुकेश जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। मुकेश, पंचायत चुनाव से पहले पुलिस विभाग में इतना बड़ा फेरबदल हुआ है, जिले में 27 थानाध्यक्षों का तबादला हुआ है, क्या 27 जो थानाध्यक्ष हैं उन सब ने अपनी अपनी जगह पर ज्वाइनिंग कर ली, ऐसा कुछ सामने आ रहा है? जी जी, 24 घंटे के अंदर पुलिस अधीक्षक के द्वारा 24 घंटे के अंदर बोला गया है कि अपने अपने स्थान पर योगदान कर लिया जाएगा, जिसमें मानी कुमार बाग ओपी में राणा प्रसाद को तबादला किया गया है जो पुलिस केंद्र में थे, मनीष कुमार कालीबाग ओपी में थे जिन्हें चनपति थाना में नए पदस्थापना किया गया है। जी जी, तो पंचायत चुनाव को लेकर और क्या कुछ वहां पे तैयारी की जा रही है मुकेश? जी सर, कुछ लोग तो बाकी है जिनका ट्रांसफर अभी नहीं हो चुका है, उनका भी है कि 2-4 दिन में ट्रांसफर हो सकता है, यह जानकारी मिल रही है। जी शुक्रिया मुकेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि एसपी ने इसकी जानकारी दी है, जिले के 27 थानाध्यक्षों का तबादला हुआ है पंचायत चुनाव से ठीक पहले, और 24 घंटे में तमाम थानाध्यक्षों को अपनी नई जगह पर पोस्टिंग करने की भी निर्देश जो है वो जारी कर दी गई है।